गुड मॉर्निंग बच्चों, हमारी एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट की क्लास में आज हम फिर से मिल रहे हैं। इसमें हमने अब तक जो है 7 रूल्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, हमारा 8वां रूल क्या है? हमारा 8वां रूल है, इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट पर्सन ऑफ प्रोनाउन आर जॉइंड बाय आइदर और नाइदर नॉर, द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट। अगर किसी भी सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट जो हैं वो पर्सन ऑफ प्रोनाउन के हैं, पर्सन ऑफ प्रोनाउन मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, उन्हें जो है आइदर और या नाइदर नॉर से जोड़ा गया है, तो जो भी सेकंड सब्जेक्ट होगा वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगी। देखो, आइदर यू और ही इज गिल्टी, तो देखो ही बाद में आया है, ही के अकॉर्डिंग हमने वो वर्ब लगाई है। नाइदर यू नॉर ही बाद में है, तो ही के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय एंड द वर्ब विल बी प्लूरल। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को जो है एंड से जोड़ा जाता है तो वर्ब क्या होगी? प्लूरल होगी। जैसे दो लोगों के नाम लेकर के कहा जाए किसी काम को, तो उसकी वर्ब क्या होगी? प्लूरल होगी। रवि एंड राज आर इन द सेम क्लास, रवि और राज दोनों क्या हैं? एक ही क्लास में हैं, तो रवि एंड राज दोनों क्या हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो इसके साथ वर्ब क्या है? प्लूरल वर्ब। नेहा एंड निधि दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो वर्ब होगी प्लूरल। हैव डन विल इन द वेल इन द एग्जामिनेशन, दोनों ने एग्जामिनेशन में खूब अच्छे से काम किया। तो देखो, दो रूल्स क्या थे? अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हैं और वो आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं, तो जो भी सेकेंड सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को फिल करेंगे। और अगर दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं जो कि एंड से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब क्या होगी? प्लूरल आएगी। नेक्स्ट देखिए, इफ़ ऑल थ्री पर्सन ऑफ प्रोनाउन आर यूज बाय जॉइंड बाय एंड फॉलो द सिक्वेंस 2-3-1, द वर्ब विल बी प्लूरल। अगर तीनों पर्सन ऑफ प्रोनाउंस जो हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं, किससे? एंड से, और 2-3-1 की सीक्वेंस फॉलो करते हैं, तो वर्ब क्या होगी? प्लूरल होगी। 2-3-1 का मतलब क्या है? देखो, टू का मतलब सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो कि यू होता है, थ्री का मतलब थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो कि ही शी इट दे होते हैं, और फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो कि आई और वी होता है। देखो, सिक्वेंस जो है 2-3-1, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन एंड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये सीक्वेंस किस में होगी? गुड सेंस के लिए यूज़ की जाएगी। जब हम अच्छी बातें करते हैं, ठीक है, उनके लिए हम क्या करते हैं? 2-3-1 के सीक्वेंस रखते हैं। और 1-2-3, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ये सीक्वेंस की कब रखी जाएगी? जब बैड सेंस होगा, जब बुरी बातें होंगी। देखो कैसे, You, he and I are good friends. You, he and I. देखो, गुड सेंस के लिए पहले सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, आर गुड फ्रेंड्स। वर्ब क्या होगी? प्लूरल होगी। वर्ब क्या हो गई? प्लूरल वर्ब हो गई। सीक्वेंस क्या रही? 2-3-1। नेक्स्ट देखो, यू ही एंड आई आर वॉचिंग टीवी, वही सीक्वेंस 2-3-1, वर्ब प्लूरल वर्ब और वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट देखो, ये तो था गुड सेंस, ये तो अच्छी बातें थी जो कि हम मिलजुल के सब काम कर रहे हैं। नेक्स्ट बैड सेंस में देखिए, आई यू एंड ही, आई फर्स्ट यू सेकेंड एंड ही थर्ड, 1-2-3 की सीक्वेंस जब हम दे रहे हैं तो क्या है? आर गिल्टी, ये क्या होगी? वर्ब होगी हमेशा, प्लूरल वर्ब, और गिल्टी मीन्स दोषी। आई यू एंड ही, मैं तुम और वह, तीनों ही दोषी हैं। आई यू एंड ही आर रॉबर्स, फिर देखो आई फर्स्ट यू सेकेंड एंड ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन, आर रॉबर्स, हम सभी क्या हैं? लुटेरे हैं। वर्ब क्या होगी इसमें? प्लूरल वर्ब होगी। तो देखो, जहाँ पे बैड सेंस है वहाँ पे तो क्या किया हमने? सीक्वेंस
वन टू थ्री, लेकिन नॉर्मली जो है हम कौन से सीक्वेंस सकते हैं, टू थ्री वन। ओके तो बच्चों देखो इसमें आपने वर्ब के साथ साथ ये भी सीखा कि प्रोनाउन की सीक्वेंस क्या होगी, प्रोनाउन जो है किस सीक्वेंस में आएंगे अगर एक साथ तीनों प्रोनाउंस आते हैं। ओके तो आज जो है आपने ये जो सीखा है इसे बहुत अच्छे से बेटा याद कर लेना, समझ लेना, ये आपके जो है लाइफ लॉन्ग काम आएगा कि प्रोनाउंस की सिचुएशन जो है वो गुड कंडीशंस होती हैं, गुड सेंस होता है तब तो टू थ्री वन होती है, और जब बैड सेंस होता है तो वन टू थ्री होती हैं। ओके आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से हम अपनी क्लास में मिलेंगे। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।